दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है आप स्मार्टफोन का यूज़ करते होंगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन में एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस सेटिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है और आपने उस सेटिंग को गलती से ऑन कर दिया तो दोस्तों इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, नुकसान क्या होगा ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये करेंगे कि अगर आप लोग अपनी स्मार्टफोन की सुरक्षा को लेकर एक्टिव हैं, अपने फ़ोन की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो 2-3 मिनट की आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, वरना आप इन फ्यूचर आपके साथ कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मोबाइल्स में ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम ऑन तो कर देते हैं लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता कि इस सेटिंग का काम क्या है और इस सेटिंग को हमें ऑन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर इस सेटिंग को हमें कब ऑन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बिल्कुल नई सेटिंग है जो स्मार्टफोन में आई हुई है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को मैं यही कहूँगा एक बार फिर से कि आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, वरना आपको कोई ना कोई नुकसान ज़रूर उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सेटिंग कौन सी है और क्यों इस सेटिंग्स को आपको कभी भी ऑन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और उसके बाद इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजिए। फिर फ्रेंड, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में चले जाना और कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छा सा कमेंट लिख देना है, आपको नाइस वीडियो, आसम, वेरी गुड या वेरी नाइस, इस तरह से आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख के सेंड कर देना है। आप जैसे ही इतना कमेंट लिख के सेंड करते हैं तो चलिए मैं आपको सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इस सेटिंग को बार करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और जब आप सेटिंग में जाएंगे तो दोस्तों, आप कोई सा भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है लॉक, इस तरह से LOCK, आपको यहाँ पर लॉक लिख के सर्च कर लेना है और थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबसे ऊपर लॉक स्क्रीन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योर लॉक सेटिंग का। दोस्तों, सिक्योर लॉक सेटिंग को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपसे फ़ोन में जो भी आपने अपना पासवर्ड सेट करा किया हुआ है वो आपसे मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। तो आपके सामने ऐसी कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो फैक्ट्री रीसेट, तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में ये सेटिंग जो है दोस्तों ऑन है। लेकिन फ्रेंड्स, इस सेटिंग को आपको कभी भी ऑन नहीं रखना, आपको इस तरह से हमेशा बंद करके ही रखना है। अब दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इस सेटिंग को बंद कर देते हैं और अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हैं अपने मोबाइल में, तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर में बच्चे होते हैं जो अक्सर मोबाइल ले ही लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मोबाइल में गलत पासवर्ड डालते हैं, हम सभी पैटर्न लॉक लगा के रखते हैं या पासवर्ड लगा के रखते ही हैं अपने मोबाइल में। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं एंड आफ्टर 15 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स टू अनलॉक योर फ़ोन, इट विल बी रीसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग एंड ऑल डाटा विल बी इरेज इंक्लूडिंग फाइल्स एंड डाउनलोड एप्स। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं और कोई भी आपके मोबाइल ले लेता है, आपका बच्चा हो या कोई फ्रेंड हो घर में, तो वो अगर 15 बार गलत अटेम्प्ट करता है, गलत पासवर्ड यहाँ पर डालता है, तो उसके बाद आपके मोबाइल का सारा डेटा जो है इरेज हो जाएगा, इंक्लूडिंग डाउनलोड फाइल्स एंड ऐप्स। आपके मोबाइल में जितने भी डाउनलोड फाइल्स हैं, जितने भी ऐप्स हैं, आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपका सारा कुछ इरेज हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इस सेटिंग को जितना हो सके उतना आप ऑन करके मत रखिए, वरना गलती से आपको इसका कभी ना कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, तो ये एक सेटिंग थी जो छोटी सी वीडियो में मैंने बताया, मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। आप लोगों को ये सेटिंग्स कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।